हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप अपने घरों पर सभी सुरक्षित होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल अराइज हो जाते हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की, तब तक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट बनता रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। तो टॉपिक है हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। में क्या है कि हम पढ़ेंगे, इट इज़ द सेल्फ इंडक्शन में स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ by a coil when changing a current through it. Self induction is the phenomena of production of induced EMF by a coil when changing a current through it. सेल्फ इंडक्शन। तो इसके लिए बच्चा पार्टी हमने क्या किया, मैं आपको पहले बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली यूनिट में पढ़ा कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया रजिस्टर, और अब हमारे पास आ गया इंडक्टर। इंडक्टर मतलब कॉइल। तो आपको क्या करना है, एक कॉइल लेना है इस तरह से। ये कॉइल हो गया है हमारे पास में, ये कॉइल हो गया। इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और यहां पे टैपिंग की लगा दी है इस तरह से। ये हो गया की, ये हमारे पास एक बैटरी हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे पास हो गया है कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर When changing a current, जब उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कैसे, सपोज करो मैंने यहां पे करंट दिया है बैटरी से, ये बैटरी का करंट है हमारे पास, इसे बोलते हैं बैटरी करंट। हमने ये बैटरी का करंट दिया है, जब इस कॉइल के अंदर वो करंट जाएगा तो ये कॉइल के अंदर इस तरह से सर्कल्स जो बने हुए हैं, ये कॉइल्स के हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इस तरह से, इन नंबर ऑफ टर्न्स में जब करंट जाएगा, जैसे ही करंट गया तो उसने इस कॉइल के एरिया को कॉइल के अंदर गया, और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप सभी को पता है करंट से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। भाई आपने यही तो स्टडी किया स्टार्टिंग से कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करने लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। तो क्या होगा, जब बैटरी का करंट गया तो इसने इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना दी, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस कॉइल के एरिया को क्रॉस कर दिया, कॉइल के एरिया को क्रॉस किया तो हमारे पास क्या हो गया, कॉइल के एरिया को क्रॉस करने के बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो जब हमने बैटरी का करंट इंक्रीज किया है तो हमारे पास में जो करंट गया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, इंड्यूस करंट। जब हमने करंट का ग्रो किया जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स ने करंट को या ईएमएफ को क्या किया, इंड्यूस किया। तो देखिए सेल्फ, उसी कॉइल के अंदर तो करंट जा रहा है
और उसी कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ या करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन, कि इंडक्टर सेल्फ अपने आप क्या कर रहा है, इंडक्शन, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ ले रहा है। जब करंट को इंक्रीज किया तो जो इंड्यूस करंट था वो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में हो गया बैट, एक कॉइल एक और ले लीजिए, इस तरह से एक कॉइल ले लिया, ये इसने हमने बैटरी लगा दी इसमें, और यहां पे क्या लगा दी, टैपिंग की लगा दी कि स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब हमने, ये हमारे पास कॉइल हो गया है, ये यहां से करंट गया, जब इस की को स्विच ऑन किया तो करंट जाएगा हमारे पास, और अब की बार करंट क्या हो गया, बैटरी का जो करंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज करंट, क्योंकि करंट में क्या करना है, चेंजिंग ले कराना है। व्हेन चेंजिंग, अच्छा मैंने लिखा है व्हेन चेंजिंग अ करंट, करंट में चेंज, एक बार इंक्रीज किया अब क्या करना है, करंट को डिक्रीज कर दिया। जब करंट को डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बनेगी करंट के जाने से कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। बट अब की बार जब डिक्रीज करंट गया तो जो इंड्यूस करंट था वो उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा था। इंड्यूस जो करंट है, कब, जब करंट डिक्रीज हो गया तो जो करंट इंड्यूस करंट हो गया है वो उसकी डायरेक्शन में, कब, जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसकी किस में जाने लगा, डायरेक्शन में। जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट, इंक्रीज जो इंड्यूस करंट आया है वो उसको अपोज करेगा, लेकिन जो हमारे पास जब हम डिक्रीज करंट भेजेंगे कॉइल के पास में तो हमारे पास क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा लेकिन वो उसकी डायरेक्शन में। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब, आई होप समझ में आ गया, प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी के एक कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने आप को करंट लेकर आता है बैटरी के थ्रू, और अपने आप ही उसमें क्या करता है, ईएमएफ को इंड्यूस, एक पर्टिकुलर फिनोमिना है, बैटरी करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ। बात समझ में आ चुका है, करंट इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ उसकी डायरेक्शन में चलेगा। तो आई होप सेल्फ इंडक्शन की ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं एक बात पता लग चुकी है क्या, कि सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ था वो किसकी वजह से आया है, जो हमने करंट बैटरी के थ्रू जो हमने करंट पास किया है। तो अब हम इसे आगे स्टडी करते हैं, तो हमने स्टडी किया, ये समझ में आ गया है, तो अब हम स्टडी करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में भाई आपने मैग्नेटिक करंट दिया, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, आई के। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, एल, ये इक्वल हो गया आई के। तो एल इज द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे के सेकेंड लॉ किस बात को कहता है, कि E इक्वल टू किसके होता है, माइनस के डी फाई अपॉन में dt। E एज इट इज है तो माइनस के डी अपॉन dt हो गया है, फाई की वैल्यू क्या हो गई है, L I हो गया है। तो E इक्वल टू हो गया माइनस के एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है, E इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई
जेटी। हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो जो इसकी यूनिट होगी सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। अगर मैं इसमें से एल निकाल लूं तो एल बराबर हो जाएगा ई डी टी अपॉन में डी आई, ई डी टी अपॉन में डी आई। माइनस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट्स और डायमेंशंस में कोई जरूरत नहीं पड़ती। एल सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होगी? हेनरी। तो वन हेनरी बराबर ई एम एफ मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। और करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। तो एक हेनरी बराबर हो जाएगा वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एल इक्वल टू, हमारे पास में एल इक्वल टू फाइव इक्वल टू था हमारे पास एल आई के बराबर, तो फाइव बराबर यानी कि एल इक्वल टू हो गया फाइव अपॉन में आई के। एल इक्वल टू किसके आ गया? फाइव अपॉन आई। तो सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होगी हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और करंट की यूनिट होगी क्या? एम्पियर। तो वन हेनरी बराबर हो जाएगा वेबर एम्पियर मीटर एम्पियर इनवर्स के। तो वन हेनरी किसके बराबर आ गया है? वन हेनरी इक्वल हो गया है वेबर एम्पियर इनवर्स के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, वन हेनरी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट थी वेबर था, तो वन हेनरी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी वेबर, करंट की यूनिट क्या आ चुकी है? एम्पियर। तो वन हेनरी इक्वल हो गया वेबर एम्पियर इनवर्स के हो चुका। क्लियर है? अब यहां पे हम क्या निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर हम निकाल लेते हैं डायमेंशंस। तो हम यहां पे निकालते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करते हैं तो क्या हो गया? एल बराबर हो गया ई डी टी अपॉन में डी आई, ई डी टी अपॉन में डी आई। तो एल इक्वल टू ई मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन में चार्ज, डी टी एज इट इज है, डी आई एज इट इज है। एल इक्वल टू वर्क की जो डायमेंशंस होती है एम एल स्क्वेयर टी माइनस का स्क्वेयर। टाइम का हो गया हमारे पास कितना? टी। चार्ज की डायमेंशंस होती है ए टी, और करंट की डायमेंशंस होती है ए। इस टी से टी कैंसिल हो गया तो एम एल बराबर हो गया एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ए ऊपर जाएगा ए माइनस का स्क्वेयर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? तो बच्चा बाटी हम इस पर एक घटिया सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हम न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं, आप इसे पॉज करिए, नोट कर लीजिए, इन्हें नोट्स बनाइए अपने आप खुद। जितने अच्छे से आप खुद नोट्स बनाओगे उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। किसी की कॉपी मत देखिए, किसी के बने बनाए नोट्स मत देखिए, अपने खुद बनाइए नोट्स। तो देखिए अब हमारे पास में एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हम न्यूमेरिकल है हमारे पास में सीबीएसई में आया हुआ है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इन विच व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इन विच, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स 40 मिली वेबर प्रोड्यूस इट when 2 ampere current flows through it. तो देखिए हमें सेल्फ इंडक्शन निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास में यहाँ पे आपको पहले देखना है क्या क्या दिया हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा 40 मिली वेबर, तो 5 बराबर इसे लिखते हैं 40 × 10⁻³ वेबर। मिली के लिए लगा दिया 10⁻³। करंट जो हमें दे रखा है वो 2 एम्पियर दे रखा है। एल हमें निकालना है, फाई इक्वल टू होता है एल आई के बराबर। फाई इक्वल टू हो गया एल आई के बराबर, तो एल बराबर हो जाएगा फाई अपॉन में आई। एल एज इट इज है, फाई की वैल्यू कितनी हो गई है 40 × 10⁻³ अपॉन में करंट हो गया 2 एम्पियर, 2 से पर 20 पर चला गया,
तो L बराबर हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, तो हम इसे लिख सकते हैं 20 मिली हेनरी के बराबर हो सकता है। कितना लिख सकते हैं? 20 मिली हेनरी। आप इसे नोट करिए, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसे कर लिख सकते हैं। ओके, हम इसे रफ करते हैं। अब हमारे पास में सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चा, पार्टी सेकंड न्यूमेरिकल है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 4 एम्पियर पर सेकंड एंड इंड्यूस ईएमएफ 20 मिली वोल्ट इन अ सोलेनाइड कॉइल, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन इन अ सोलेनाइड। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम, कि हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या था कि जो ईएमएफ है वो 20 मिली वोल्ट दे रखा है, तो ईएमएफ हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है डीआई अपॉन में डीटी, बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर पर सेकेंड। आपको निकालना है क्या है, एल निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी नो दैट हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है L डी आई अपॉन में डी टी, इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी हो गया। हमें E गिवन है तो L निकालना है, तो हो जाएगा E डी टी अपॉन में डी आई, या फिर आप लोग सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा L बराबर E ईएमएफ की वैल्यू हो गई 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और डी आई बाई डी टी होता है 4, लेकिन डी टी अपॉन डी आई है तो हम अपॉन में 4 लगा देंगे। तो 4 से ये कितने पर चला गया, 4 × 5 = 20, तो L बराबर हो जाएगा 5 मिली हेनरी। तो सेल्फ इंडक्शन कितना आ गया, 5 मिली हेनरी आ चुका है। ओके बच्चा पार्टी, ये समझ में आ गया है, पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कई बार कि हमारे पास में कि हम जो कॉइल में कॉपर को ही यूज क्यों करते हैं, कॉइल के अंदर कॉपर को क्यों यूज करते हैं, कोई कारण है क्या? तो बेटा ध्यान से सुनिए कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हाईएस्ट फॉर्म में होगा, हाईएस्ट फॉर्म में हमारे पास ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन में बताया गया है हमारे पास में कि इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंज अ करंट इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंज अ करंट चेंजिंग अ करंट चेंजिंग अ करंट इन नेबरिंग कॉइल या फिर इन एनअदर कॉइल, हम नेबर लिख सकते हैं,
एनोदर कॉइल, कि जब हम एनोदर कॉइल से करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल जो उसके नेबर में रखी हुई है उसमें क्या जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसके लिए क्या किया, ये हमारे पास एक कॉइल हो गई है डियर स्टूडेंट, ये कॉइल हो गई है, इसका एंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने टैपिंग की लगा दी है स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। ये की हो गया है, ये नेगेटिव एंड हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। तो ये कॉइल हमने कोई पी कॉइल मान लिया है, इसके नेबर में एक एनोदर कॉइल रखा हुआ है इस तरह से, लेकिन इसके साथ में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसे नाम दे देते हैं एस। तो देखिए बच्चा पार्टी क्या होगा, जब की को आप ऑन करोगे तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा और करंट क्या होगा, करंट ग्रो करेगा। जब करंट ग्रो करेगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया को इस तरह से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस तरह से इस कॉइल के एरिया को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब कॉइल के एरिया को क्रॉस करेंगे तो ईएमएफ, जब करंट तो हमारे पास इधर जा रहा है, बैटरी का करंट इधर जा रहा है, लेकिन इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसका क्या, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा, ये हमारे पास इंड्यूस करंट है, ये क्या हो गया इंड्यूस। जो कहानी पिछले वाले स्टेप में थी एक कॉइल के लिए, अब वो कहानी दो कॉइल के लिए हो जाएगा। अब की बार इसमें जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। व्हेन अ करंट फ्लो इन अ पी कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड आर चेंज एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंज। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसके अपोजिट गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास। अगर करंट हम डिक्रीज कर देते हैं, करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वो उसके साइड में ही क्या, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सेल्फ इंडक्शन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल, बट म्यूचुअल इंडक्शन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टू कॉइल। जब हम एक कॉइल से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करता है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन करना ही क्या शो कर रहा है कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो चुका है, ईएमएफ या फिर करंट क्या हो चुका है, इंड्यूस हो चुका है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए या फिर डायरेक्ट कॉल करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। ओके, अब हम आगे स्टडी करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल सेम एज दैट है हमारे पास में, क्या सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट था बिल्कुल सेम एज दैट रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट। वहां पे एल लगा था, यहाँ पे आप एम लगा हुए, कैसे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आई के, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या लगा दिया, एम आई। तो M क्या हो गया, M इज द म्यूचुअल इंडक्शन, M इज द म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है, M इज द कोफिशिएंट, M इज द कोफिशिएंट, ये हो गया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया है हमारे पास में ये वाला। अब हमारे पास में तो M बराबर किसके हो जाएगा, M इक्वल हो जाएगा फाई अपॉन में I, इसकी जो यूनिट रहेगी हेनरी रहेगा, इसका यूनिट भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी वेबर और करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर हो जाएगा तो वन वेबर तो वन वेबर प्रॉब्लम हो रही है
तो वन वेबर इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर के, तो वन हेनरी इक्वल हो जाएगा वेबर एम्पियर मीटर इनवर्स के। जिस तरह से लास्ट टाइम के टॉपिक सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास टॉपिक आया था, बिल्कुल सेम एज दैट आया है हमारे पास में। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ई इक्वल टू होता है माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी अपॉन डी टी, फाई की जगह कितना आ जाएगा एम आई, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एम डी आई अपॉन में डी टी। एम को आप यहीं निकाल सकते हो, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां से कर लेते हैं हम आगे कि m बराबर हो जाएगा e dt अपॉन में di। मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन की जो यूनिट होती है हेनरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स emf, इंड्यूस emf यानी कि वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स। लेकिन जो डायमेंशन होगा वो सेम एज दैट रहेगा जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन थी, क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और इसके व्याप पर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, और प्लीज आप लोग जिस तरह से वीडियोस को देखोगे, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मेरा उत्साह और ज्यादा बढ़ रहा है। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज बना के डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना आप अच्छे से काम करते जाओगे उतना ही मुझे इंक्रीज होता चला जाएगा, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आपके सामने देता रहूंगा। तो मुझे इंक्रेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल नेम रजिस्टर फिजिक्स गुरु। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, या फिर आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9671738670 पर। और बच्चा पार्टी जित नोट्स बनाइए अपने आप खुद जिस तरह से हो सकता है, यानी कि किसी के नोट्स स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप पॉज करके अपने आप नोट्स बना सकते हैं, बुक स्टडी करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने काम करने की प्रवृत्ति डालिए। अगर आप लोग दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो काम होना बंद हो जाएगा, तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सकता है काम करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अगेन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।